ये देखिए कहां तक गई। हिटलर, ये भी बहुत अच्छी केमिकल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं सारे भाई खैरियत से होंगे। तो जी बताना था आप लोगों को कि वीडियोस इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि फर्स्ट ईयर के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जिस भी भाई के पेपर्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारे पेपर हैं, तो इस वजह से वीडियोस जो हैं वो डिले आ रही हैं। 1 मंथ तक ऐसे चलेगा, बाकी इंशाल्लाह बाद में हम लोग डेली वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आज आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आए हैं जी, हिटलर की। तो आज उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, सारी डिटेल वीडियो बनाएंगे। और आप लोगों को बताते हैं जी, हिटलर कौन से ब्रांड का पीस है, कितना वेट है इसका, कौन सा धागा है और कलर कौन सा है जो हमारे पास पीस है। और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि क्या प्राइस है इसकी हमें जो मिली है। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो, पीस दिखाइएगा। ये है जी हिटलर, ये देख सकते हैं आप लोग। हिटलर ये भी बहुत अच्छी केमिकल है जी, नाम तो इसका बहुत सुना हुआ है। मैं फर्स्ट टाइम ये ट्राई करने वाला हूँ, तो आज इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं जी कैसी केमिकल है। पहले आप लोगों को बता दूं जी, SAS ब्रांड वालों का ये पीस है। पिछला जो पीस हम लोगों ने अनबॉक्स किया था वो था शहनशाह, वो भी SAS वालों का था। जैगुआर, ये सारे SAS वालों के हैं। हिटलर द वॉरियर, द नेम ऑफ क्वालिटी, ये जी इसका बैनर बना हुआ है जिसको लेबल कहते हैं। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और चेक करते हैं जी कैसी केमिकल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको यहाँ पे फेंक देते हैं। सबसे पहले तो ये आप इसका टैग देख सकते हैं, हिटलर। नाम तो इसका बहुत जी सुना हुआ है हम लोगों ने। अब इसका चेक करते हैं जी, ये सिरा है। केमिकल सही है, बस बस कह ही सकते हैं सही है, इतनी अच्छी नहीं है। लचक आप लोग देख सकते हैं, लचक काफी ज्यादा है, ये देखिएगा कहाँ तक चलेगी है। अब इसकी ये स्ट्रेंथ चेक करते हैं जी, कहाँ तक लेके जाएं तो ये टूटती है। थोड़ा सा नया निकाल लेते हैं, ये देखिए कहाँ तक गई, ये देख सकते हैं। केमिकल बस जैसी आम केमिकल्स होती हैं वैसे ही है, कोई खास अच्छी केमिकल नहीं है कि कह सकते हैं जी बस हाई लेवल की है, वो नहीं है, बस गुजारा ही है। वैसे मांजा वगैरह जो है वो लगा हुआ है, ये गीली लग रही है मुझे केमिकल थोड़ी सी, इस वजह से भी शायद हो सकता है। तो बाकी इसको धूप में रख के सेट करेंगे। इसका जो शीशा है जी, इसके ऊपर केमिकल के लगा हुआ, वो आप लोगों को लाइट्स ऑफ करके चेक करवाते हैं। शीशा जो है जी, इसके ऊपर दरमियाना सा लगा हुआ है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं लगा हुआ, दरमियाना सा शीशा लगा हुआ है। बाकी ये आप लोग देख सकते हैं इसकी फिनिश, कलर इसका आप लोग देख सकते हैं जी, लाइट ग्रीन कलर के अंदर है, पैरेट कलर जिसको हम लोग कहते हैं। इसका वेट जो हम लोगों ने किया था, पहले भी हम लोगों ने चेक किया है इसका वेट, अब दोबारा से इसका वेट करके चेक करते हैं। नहीं हो जाएगा, वेट इसका पांडा के बराबर है, तकरीबन 1200 ग्राम इसका ना वेट है। और केमिकल बस सही है जैसी हम लोगों ने पापा का ऐड की थी अनबॉक्सिंग, तो उसके अंदर भी लचक काफ़ी ज़्यादा थी।
सेम पापा काइट ही कह सकते हैं इसको जी, पापा काइट के जैसी केमिकल है। और इसकी प्राइस की बात करते चलें तो ये हमें मिली है, इसकी प्राइस 1700 विदाउट बिल्टी। बाकी इसके साथ गुड्डे भी उड़ा के चेक करेंगे जी कैसी केमिकल थी। ऐसे तो हर बंदा देख के यही अपने तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि ये अच्छी है या बुरी है। गुड्डे उड़ाएंगे और चेक करेंगे जी कैसी निकली है। तो इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। हमारे चैनल के साथ रहिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर पेश करिएगा। अल्लाह हाफिज़।